हाय गाइस, वेलकम बैक टू जी टी ए 5। तो यार आ चुका हूँ वापस एक और नई वीडियो के साथ। तो यार आज हम करेंगे टारगेट प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और देखो आज के वीडियो में क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले तो हम अपनी लेते हैं गाड़ी और चलते हैं। तो यार बहुत हो चुकी मारदार, बहुत लड़ाई झगड़े बहुत हो चुके। आज हम कुछ करेंगे थोड़ा सा एन्जॉयमेंट और साथ में हम कुछ सीखेंगे क्या। हम आज टारगेट प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम स्नाइपिंग सीखेंगे। तो इसी के लिए हम चलते हैं सबसे पहले ड्राइवर के एक दोस्त के पास जो कि बहुत अच्छा एक स्नाइपर है। तो आज वो हमें स्नाइपिंग सिखाएगा। तो यार ये रहा, ये खड़ा है ड्राइवर का दोस्त। पता नहीं आसमान में क्या गुम हो गया इसका, क्या ढूंढ रहा है ऊपर। आई थिंक किसी परिंदे को शिकार करने की कोशिश कर रहा होगा। और क्या करना है इसे, क्योंकि ये शिकारी है और ये इसका काम है। तो अच्छी बात यह है कि ये अच्छी स्नाइपिंग कर लेता है, अच्छा निशानेबाज है। तो इसलिए हम आज इसके पास आए हैं ताकि ये हमें स्नाइपिंग सिखाए, हमारे भी टारगेट अच्छे हों और हम किसी भी चीज को बहुत जल्दी से टारगेट बना के उसे शूट कर सकें। तो इसी के लिए आज हम इसके पास आए हैं। तो यार ड्राइवर ने पकड़ ली है स्नाइपर और सबसे पहले तो हम चलते हैं इसी के पीछे। तो देखते हैं हमें ये क्या टारगेट देता है। जो भी टारगेट हमें ये देगा हमें वो पूरा करना होगा। इस चीज पे ये निशाना लगाने को कहेगा, उसी चीज को निशाना लगाना है, किसी और दूसरी चीज को तोड़ना फोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले तो यार हम निशाना लगाएंगे, सामने कुछ सैटेलाइट डिशेस लगी हुई हैं, उनको तोड़ेंगे। तो यार ये रही, एक को तो हमने तोड़ दिया। एक ये लगी हुई है, इस पे निशाना लेते हैं और इसको भी तोड़ते हैं। तो यार एक हमारे राइट साइड में है, बड़ी सारी बड़ी वाली, इसको भी तोड़ते हैं हम। तो यार ये तो थी सैटेलाइट डिशेस जिनको हमने फोड़ दिया निशाना लगा के। तो यार ये तो काफी आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन आगे चल के देखते हैं आगे हमें क्या टारगेट मिलता है। ये तो जरा आसान था लेकिन आगे कुछ मुश्किल भी पेश आएगी, तब पता चलेगा कि हमारा टारगेट कितना सेट है, हम कितने निशानेबाज हैं। तो यार सबसे पहले तो हमें चाहिए गाड़ी, तो जो के वो सामने खड़ी हुई है। तो आगे जाने के लिए हमें गाड़ी की जरूरत है, पैदल नहीं जा सकते, पैदल जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और दौड़ते ड्राइवर भी थक सकता है। तो इसलिए हम ये गाड़ी लेते हैं और साथ में एक बंदे को भी ले लेते हैं जो कि ड्राइवर का दोस्त है। तो चलते हैं अपने अगले टारगेट पे और देखते हैं हमें क्या करने के लिए कहता है ड्राइवर का दोस्त। The money in wild organic meat these days, you wouldn't believe. Them hipsters will give you their parents. यार आई होप आज अगला जो टारगेट होगा वो जरा मुश्किल होगा। थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो ही मजा आएगा स्नाइपिंग करने में। इतनी आसान स्नाइपिंग तो कुछ खास नहीं है, इतना मजा नहीं आया पहली बार में। चलिए आगे चल के देखते हैं आगे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम अपन यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं, बल्कि अंदर ही ले लेते हैं, यहाँ पे रोक देते हैं। फिर चलते हैं इसके पीछे पीछे और देखते हैं क्या टारगेट देता है ये। क्या सबसे पहले तो मैं देख कर रहा है इसी को टारगेट कर दूं। इसने ट्राउजर बहुत अच्छा पहना हुआ है। This is perfect right here. Pick a car and shoot a tire. तो यार ये हमें यहाँ पे ले आया है, सामने एक रोड है जिस पे गाड़ियां आ जा रही हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये गाड़ियों के जो है ना टायर पंक्चर करने हैं, चलती हुई गाड़ियों के टायर को निशाना लगाना है। तो देखते हैं हम कर पाते हैं कि नहीं, कोशिश करके देखते हैं। पहली बार तो फेल हो गए हम, कोई बात नहीं, एक गाड़ी है, काफ़ी गाड़ियाँ आ जा रही हैं जिस पर मर्जी हम निशाना ले सकते हैं। ट्राई करते रहते हैं, कभी तो लगेगा। तो यार ये वाला ज़रा टारगेट मुश्किल लग रहा है मुझे।
किधर गई गाड़ी, ये आ रही है, इस पे चेक करते हैं। तो यार चलते हुए गाड़ी पे निशाना लगाना जरा मुश्किल लग रहा है। अरे भाई साहब इसको तो लग गया पता कि कोई हमें टारगेट कर रहा है, इसने तो स्पीड ही बढ़ा ली। कम स्पीड में निशाना नहीं लग रहा तो तेज पे क्या लग रहा है। तो ये गाड़ी आ रही है, इस पे चेक करते हैं। यार इतने भी अच्छे निशानेबाज नहीं हैं, अगर होते तो पहली ही बुलेट में हम टायर पंक्चर कर देते। यार इस बंदे को पता चल गया कि हमें कोई टारगेट कर रहा है, तो ये बेचारा डर के मारे गाड़ी छोड़ के भाग गया। तो खड़ी हुई रुकी हुई गाड़ी पे हमें निशाना नहीं लगाना, इसका कोई फायदा नहीं है। चलते हुई गाड़ी पे, चलते हुई गाड़ी का टायर पंक्चर करना है तो ही कुछ बात बनेगी। You gotta be 10% smarter than the equipment you're running, my granddaddy always said. That ain't right. नहीं यार इस पे भी नहीं लगा, चलो इस पे ट्राई करते हैं। अरे यार बड़ी ही मुश्किल से, बड़ी ही मुश्किल से लेकिन फाइनली एक गाड़ी का टायर हमने पंक्चर किया। अभी एक का और करना है, इस पे ट्राई करते हैं शायद लगी जाए इसे एक आध, लेकिन नहीं नहीं होना। तो यार ये गाड़ी पे ट्राई करते हैं। यार इस गाड़ी को तो हमने पहले ही बुलेट्स में ना फिनिश कर दिया, पहले ही बुलेट लगी सीधी इसके टायर में और एक पंक्चर कर दी हमने ये गाड़ी वाली। तो यार आगे चलते हैं, आगे वाला टारगेट देखते हैं। ये तो हमने बहुत ही मुश्किल से किया लेकिन कर लिया। तो यार इसके पीछे चलते हैं और साथ में थोड़ी शरारत भी करते हैं, चेक करते हैं कि निशाना कितना अच्छा हुआ है। तो यार ये एक रेड चला आ रहा है हमारी तरफ, तो इस पे निशाना लगा के देखते हैं इससे लगता है या नहीं। अरे यार ये तो लग गया, लग गया। तो कुछ फर्क महसूस हो रहा है आज निशानेबाजी करके। यार ये बंदा तो खामखा डर के भाग गया। अरे भाई तुझे नहीं मारने लगे, उसने राइफल देखी ड्राइवर के हाथ में और वो तो डर के भाग गया। तो ऊपर चलते हैं इसके पीछे और आगे देखते हैं आगे क्या प्लान किया हुआ है इसने। यार यहाँ पे कुछ परिंदे बैठे हैं, इन पे भी ट्राई कर लेते हैं। बेचारे को मार दिया हमने, इसके साथ ही तो डर के मारे उड़ गए। Looks like we got two packs of coyotes down there. Take it. Yes, सामने कुछ coyotes हैं। Coyotes. तो इन पे निशाना लगाते हैं, जिसे हम भेड़िये कहते हैं। I think ये भेड़िये ही हैं। Sing to me now, song dog. यार एक को तो बहुत अच्छी पड़ी। इस पे लेते हैं निशाना। इसको भी लगी। तो यार बाकी तो भाग चुके हैं लेकिन एक आध को हमने और मारना है। थोड़ा वेट करते हैं, वापस आएंगे ये अपने साथियों को मरा हुआ देखने। तो यार ये वापस आया, ये आया वापस, लेकिन नहीं यार इसे नहीं मार पाए हम। चलो इस पे ट्राई करते हैं, इसे तो लग गया। तो यार तीन भेड़ियों को हमने मार दिया, तीन भेड़ियों को हमने अच्छा शॉट मारा। I'll send you a text when I'm about. तो यार आज के लिए इतनी स्नैपिंग बहुत है और इसके साथ होता है आज का मिशन पास्ट। तो यार ड्राइवर का फ्रेंड जो है वो जा चुका है लेकिन वो अपनी राइफल लेके नहीं गया, तो हम इसका फायदा उठाते हैं और थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। किसी भी चीज पे निशाना लगाते रहते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी, इसका हमें आगे चल के फायदा भी होगा क्योंकि आगे बहुत ही मुश्किल मिशन आने वाले हैं तो वहां पे हमें ये काम आएगी। अरे यार बेचारी कितने मजे से सिगरेट पी रही थी लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि किधर से पड़ी। दूर से खड़े होकर ड्राइवर ने एक हॉट शॉट मारा से और मार दिया बेचारी को। वैसे भी सिगरेट पीना बुरी बात है, वैसे भी थोड़ी देर में ये मर जाती, बल्कि कुछ अरसे में।
पहले ही बेचारे का काम तमाम कर दिया। तो यार यही था आज का गेम प्ले, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।